Hey friends, good morning and welcome back to our channel. आज है नवरात्र का चौथा दिन और हम जा रहे हैं झारखंड के फेमस मंदिर जिसका नाम है प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना। यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं और कहा जाता है यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगो वो जरूर पूरी होती है। और ये मंदिर शिव जी का स्वयंभू मंदिर है और हम कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचकर पंडित जी से मंदिर के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। फिलहाल हम रास्ते में हैं, आप देख सकते हैं ये टाटा स्टील का कोल माइन एरिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ऊपर कन्वेयर बेल्ट है और बकेट सिस्टम है। ये बकेट सिस्टम ओल्ड टेक्नोलॉजी है और ये जो कन्वेयर है इसको LPC कहते हैं, लॉन्ग पाइपलाइन कन्वेयर बेल्ट, जिससे कोयले को खदान से निकाल करके वॉशरी से होते हुए एक जगह डंप किया जाता है 8 किलोमीटर दूर पे, जहां से रेल नेटवर्क से इस कोयले को जमशेदपुर या किसी और जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये LPC आज के टाइम में यूज़ होने वाला सबसे मॉडर्न टेक्निक है जिससे कोल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। अब हम पहुंच रहे हैं टूटी झरना मंदिर, जहां पे पहले सामान लेंगे पूजा का और फिर जाएंगे पूजा करने। जो जल अभिषेक हो रहा है एक प्राचीन काल से ही हो रहा है, सब एक कभी बंद नहीं होता है। विष्णु भगवान की नाभि से जो जल अभिषेक हो रहा है वो प्रत्येक दिन इसी रफ्तार में जल अभिषेक हो रहा है। एक किसी को भी मालूम नहीं, यहाँ पे आए और सब आए, यहाँ वैज्ञानिक लोग भी आए रिसर्च किए, मगर रिसर्च नहीं पता कर पाए कि कहाँ से ये जल अभिषेक हो रहा है। ये सब प्राण यहाँ पे हर रूप में भगवान भी साक्षात दर्शन देते हैं। ये स्वयंभू मूर्ति है, एकदम शिव है, हर रूप में भी भगवान यहाँ पे दर्शन देते हैं, है ना। जिस तरह सर्व शंकर भगवान के माने में है ना, उसी तरह विष्णु भगवान के माने में यहाँ साक्षात दर्शन देते हैं। मगर ये आज जो दो तीन दिन से जो है भगवान दर्शन नहीं थे, दो तीन दिन हो गया भगवान साथ साथ दर्शन नहीं थे। नदी सब प्राण जो भी संकल्प कीजिएगा इस प्रांगण में, आपका मने संकल्प कीजिए, 2 महीना 4 महीना 7 महीना जो भी है आपकी मनोकामना, ये सब प्राण आप लोग की मनोकामना परिपूर्ण करेंगे। जो भी संकल्प कीजिए और आप उन संकल्प करने के बाद भगवान का कृपा से आपका मनोकामना जो भी रहेगा वो सब।
तो ये पानी कहाँ जाता है इतना सारा? एक नदी में चला गया, इधर से साइड से नदी बना है इसका। अच्छा है, इस साइड से पीपल के पेड़ है वहाँ पर जो है इधर से निकलता है। तो ये हमेशा से वहीं जा रहा है? हाँ। तो ये पानी कब से बह रहा है, कब से यहाँ पे? जब से ये बहुत पहले से, ये मंदिर किसने बनाया कौन किसी को भी मालूम नहीं, मगर हाँ एक गुजरात का ठेकेदार थे जो रेलवे लाइन जा रहा था है, उसी समय जो है मिट्टी के जरूरत पड़ा था तो ये पहाड़ी था तो यहीं से मिट्टी जा रहा था, तो गुम्बज जो है ऊपर से दिखाई पड़ा, तो ठेकेदार जो थे बोला मैं उसको पूरा क्लीन करो, सब मिट्टी यहाँ से निकालो, देखा तो मंदिर तीन दरवाजा है, फिर आगे खोला देखा एक दरवाजा, इधर देखता है कि इधर भगवान है इसीलिए, तब यहाँ पूरा क्लीन करके पूजा के फिर आराम किए। उस दिन से तीन वो जो है समाधि भी बना हुआ है, यहाँ के भगवान जो रहते थे उनका समाधि भी बना हुआ है, वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ बोर्ड है, एक बोर्ड है कागज है वहाँ पे लिखा हुआ है। दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए, तो अब हमें लग रही है जोरों की भूख, तो हम जा रहे हैं पिज्जा खाने। बाहर निकले हैं तो मोमोज खाना भी तो बनता है, तो पिज्जा खाने के बाद खाएंगे हम लोग मोमोज और फिर करेंगे इस जर्नी को एंड। करते हैं इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।